Hello everyone, this is Naman and today in this video I am reviewing two phones. One is updated from another one. Yes friends, I am talking about Redmi 4 and Redmi 5. These two are the same phones, but Redmi 5 is the one upgraded version of Redmi 4. So before starting this video, please do like my video, share and subscribe, and please press the bell icon so you will notify for my next videos, and do subscribe. So let's get started. So hey, first of all, I will remove the cover from this both the phones by which you will be able to see the phone clearly. Yeah. If we talk about the build quality of this phone, both are same in look wise, but Redmi 5 has larger body as compared to Redmi 4. And I don't know why they make this a huge phone, because Redmi series hamesha 5 inch ke saath hi aati thi, but ye kuch naya jo trend chala hai uske hisab se agar dekha jaye to. Okay, so let's get started. I will rating ke hisab se main bataunga ki kaun sa phone kitna acha hai aur kitna acha performance deta hai. So if we talk about the build quality, दोनों की build quality same है, दोनों metal से बने हुए हैं और दोनों का पीछे का look भी same है, बस ये थोड़ा बड़ा है. And screen की बात करें तो ये और ये दोनों की screen 720p पे ही रेस्ट्रिक है. But the difference between both the phone is that ये 16:9 हो चुका है, and this is a simple जो हमारे पुराने फ़ोन आते थे वैसे. हाँ, ये पुराना हो चुका है क्योंकि अब इसी टाइप के फ़ोन आ रहे हैं 16:9 रेशो के. तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस स्क्रीन का अंतर है. एंड अब मैं रेटिंग के हिसाब से दोनों को जज करता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए. तो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, तो मैं रेडमी 4 को, मतलब ये वाले फ़ोन को, छोटे वाले फ़ोन को 8 देता हूँ, और रेडमी 5 को भी 8 देता हूँ, क्योंकि दोनों की बिल्ड क्वालिटी अपने अपने स्पेक में सेम है. बस इसमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, इसमें स्क्रीन छोटी है, बस और कुछ फ़र्क नहीं है. बाकी सब कुछ सेम है, माइक, स्पीकर्स, कैमरा, एवरीथिंग इज सेम. कैमरा थोड़ा सा डिफरेंट जगह है, लेकिन सेम. मेरे को ये कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेडमी 4 का, क्योंकि इसमें बम्प नहीं निकला हुआ है, इसमें बम्प निकाल के दिया है उन्होंने. एंड अगर डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी 4 को मैं 7 देता हूँ और रेडमी 5 को 6 देता हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि रेडमी 4 का स्क्रीन छोटा है, इसकी वजह से 720p ज़्यादा अच्छा दिखता है. आप देख सकते हैं ये थोड़ा मतलब फेडेड लगता है रेडमी 5. तो रेडमी 4 को 7 देता हूँ और रेडमी 5 को 6. अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में सिमिलर सॉफ्टवेयर है, MIUI पे काम करता है, तो मैं दोनों को 8 देता हूँ. बट रेडमी 4 आता है 7.1 के साथ, सॉरी रेडमी 4 आता है 6.0 मार्शमैलो के साथ, एंड रेडमी 5 आता है 7.1 के साथ. बट एक अपग्रेडेबल आता है, बट कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों में मी ओ चलता है, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है. और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो मैं रेडमी 4 को 8 देता हूँ और रेडमी 5 को 7 देता हूँ. क्योंकि रेडमी 4 भी मैं रख चुका हूँ, रेडमी 5 मैं अभी रख रहा हूँ किसी भी जो मैंने से, तो रेडमी 4 का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रेडमी 5. आई डोंट नो वाई, बट ऐसा है, ये ज़्यादा स्मूथली काम करता है इसके बराबर में. बैटरी की बात करें तो बैटरी के लिए मैं रेडमी 4 को 8 देता हूँ, रेडमी 5 को 9 देता हूँ. भले बैटरी रेडमी 4 की ज़्यादा है, बट फिर भी मैं बैटरी परफॉर्मेंस अगर बात करें तो रेडमी 5 अच्छा परफॉर्म करती है बैटरी के हिसाब से, रेडमी 4 से कंपेयर करें तो. और वैल्यू फॉर मनी तो दोनों ही है, बट इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कैमरा का. तो कैमरा के लिए दोनों को 6-6 देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों का कैमरा काम चला हुआ है, ठीक ठाक है. तो आप उतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो, बट ठीक ठाक है. मेरे को इतना कोई अच्छा नहीं लगा दोनों का. और वैल्यू फॉर मनी अब आता है लास्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट सेक्शन में. तो इसको मैं देना चाहूँगा रेडमी 4 को 8 और रेडमी 5 को 9. क्यों? क्योंकि अब रेडमी 4 और रेडमी 5 में कोई भी अंतर नहीं है परफॉर्मेंस, बल्कि रेडमी 4 की ज़्यादा अच्छी है. लेकिन दिखने में ये थोड़ा ठीक ठाक लगता है, क्योंकि स्क्रीन इसका बहुत अच्छा है और आप जैसे से भी कंट्रोल कर सकते हो. जो MIUI 10 उन्होंने निकाला है वो स्पेशली
16:9 रेशो के फ़ोन के लिए निकाला है, तो मेरे हिसाब से रेडमी A5 उसमें और ज़्यादा अच्छा निखर के लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको रेडमी 4 को अब नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे रेडमी 4 इसलिए पसंद है क्योंकि इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, आप कहीं से भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात इसके साथ है कि ये फ़ोन बहुत काफ़ी बड़ा है, तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ तक का। तो दिस इज़ द स्मॉल टिप्स, स्मॉल कंपेरिजन बिटवीन रेडमी 4 एंड रेडमी 5। मैं फाइनल वर्डिक्स देता हूँ कि रेडमी 5 ही लें, रेडमी 4 नहीं लें। लेकिन ये अच्छा फ़ोन है, लेकिन अपग्रेड हुआ है तो ऑब्वियसली ये लेते हैं, सो प्लीज़ गो विथ रेडमी 5। सो दैट्स इट इन दिस फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर कि ऐसी वीडियो आएँ और अच्छी वीडियोज आएँ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो कि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैं अभी कुछ दिनों के लिए अपनी वीडियोज़ को बंद कर दिया था क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो बट अब ऐसा नहीं होगा, आई विल बी रेगुलर दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल बी क्रिएटिंग न्यू एंड यूनिक वीडियोज। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।